इस वीडियो में हम लोग लेसन 17 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द क्रोकोडाइल्स एडवाइस, मगरमच्छ का सलाह। अगर आप इसका कहानी नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप कहीं से भी कहानी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर करने वाला, कहने का मतलब है चैप्टर का सारा चीज। बी पॉइंट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि नीचे दिए गए वाक्य सही है गलत। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। फर्स्ट है, द क्रोकोडाइल वांटेड टू ईट द फॉक्स, मगरमच्छ लोमड़ी को खाना चाहता था। थोड़ा सा गलत, गलत यानी फॉल्स। जैसा कि आपको कहानी पता है, अगर देखे वीडियो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले देख लीजिए। तो उस कहानी में क्या होता है, मगरमच्छ और लोमड़ी दोस्त होते हैं। लोमड़ी क्या बहुत भूखी रहती है, तो मगरमच्छ बोलता है कि चलो उस पार नदी के उस पार ढेर सारे खरगोश है और तुम शिकार करना और आराम से खा लेना। तो दोनों दोस्त है, तो मगरमच्छ लोमड़ी को नहीं खाएगा, तो हो जाएगा फॉक्स फर्स्ट का। सेकंड है, द क्रोकोडाइल एंड द फॉक्स डिसाइडेड टू हंट ऑन रैबिट्स, मगरमच्छ और लोमड़ी खरगोश का शिकार करने का निर्णय किया, तो हो जाएगा ट्रू। द क्रोकोडाइल गेव ए फुलिश एडवाइस, मगरमच्छ एक बेवकूफी वाला सलाह दिया, तो फॉल्स गलत। क्यों? क्योंकि वो तो सही ही बोला था, मगरमच्छ तो सही ही बोला था कि लोमड़ी को चलो उस पार मेरे पेट पर बैठ जाओ, चलो इस पार खरगोश का शिकार करना, लेकिन बीच में मछली उछली कुछ भी रहेगा तो उसको उसको नहीं कूदना, क्योंकि तुम जल में शिकार करना नहीं जानते हो, तुम जमीन पर शिकार करना जानते हो, इसलिए नदी में मत कूदना मछली उछली को या कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो जलीय जीव जंतु दिखाई पड़ेगा उसको नहीं मारना। मगरमच्छ सही सलाह दिया था, लेकिन लोमड़ी अपने लालच के कारण डूबने लगे थे। फोर है, द क्रोकोडाइल कुड नॉट स्विम, मगरमच्छ तैर नहीं सकता था, तो हो जाएगा फॉल्स, मगरमच्छ पानी में ही रहता है तो तैर सकता है। फाइव है, देयर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल्स, बेवकूफों को सलाह देना बेकार है, तो हो जाएगा ट्रू, सही बात है, क्योंकि मगरमच्छ भी लोमड़ी को सलाह दिया था, लेकिन क्या, लेकिन वो अंत में क्या होता है, कहानी के अंत में लोमड़ी ब्लेम करने लगती है, टेन आरोप लगाने लगते है कि हम तुम्हारे कारण डूबे, तुम क्यों बोला कि चलो उस पार, तो गलत था, यही कारण है कि बेवकूफों को सलाह देना बेकार है, तो जाओ ट्रू। बी पॉइंट टू, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, फॉलोइंग में होता है नीचे दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल से व्हेन ही लर्न्ड दैट द फॉक्स वाज हंग्री, मगरमच्छ क्या बोला जब वो जाना कि लोमड़ी भूखी है, तो आंसर हो जाएगा द क्रोकोडाइल सेड दैट द फॉक्स कुड पाउंस ऑन रैबिट्स आफ्टर गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, मगरमच्छ ने कहा कि लोमड़ी नदी के उस पार जाकर खरगोशों पर छलांग मार सकती है, छलांग मार के उसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, तो यही मगरमच्छ कहा जब उसको पता चला कि लोमड़ी भूखी है, बोला कि चलो उस पार नदी के उस पार और तुम आराम से खरगोश पे अटैक करना। सेकंड क्वेश्चन है, यू नो हाउ टू हंट फूड ऑन लैंड नॉट वाटर, हु सेड दिस एंड व्हाई, तुम जमीन पर शिकार करना जानते हो पानी में नहीं, कौन कहा और क्यों कहा, ये बात कौन कहा था, क्रोकोडाइल कहा था लोमड़ी को, क्यों कहा था, क्योंकि जब लोमड़ी है ना, लोमड़ी जब मगरमच्छ के पीठ पर उस पार जा रही होती है तो मछलियों को देखती है, तो उसके मुंह में पानी भर जाता है और लालचवश वो बोलती है कि हम मछलियों का शिकार करेंगे, तो मगरमच्छ बोलता है कि नहीं तुम मत कूदना, तुम जमीन पर शिकार करना जानते हो पानी में नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा, डूबने लगोगे, ये मगरमच्छ बोला था लोमड़ी से, इसी को इंग्लिश में लिख देंगे। आंसर हो जाएगा यू नो हाउ टू हंट फूड ऑन लैंड नॉट वाटर, देखिए यहां से यहां तक लिख लिए, तुम जमीन पर शिकार करना जानते हो पानी में नहीं, तो क्रोकोडाइल सेड दिस टू द फॉक्स, मगरमच्छ ने इससे लोमड़ी को कहा, ठीक है, जिस टेंस में सवाल पूछेगा उसी टेंस में जवाब देंगे, देखिए हो की जगह क्या करते हैं, द क्रोकोडाइल करते हैं, बाकी क्या है, सेड दिस, तो सेड दिस लिख दिए, पूछ रहा था किसको कहा, फॉक्स लोमड़ी को, और फिर पूछ रहा है क्यों, तो यहां से यहां तक आंसर हो जाएगा क्यों का, बिकॉज द फॉक्स वांटेड टू कैच फिशेस, क्योंकि लोमड़ी मछलियों को पकड़ना चाहते थे, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था, इसलिए द क्रोकोडाइल वार्न्ड हिम, इसलिए मगरमच्छ उसे चेतावनी दिया, ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर डूब जाओगे। सी पॉइंट वन, टिक द करेक्ट आंसर फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे देखिए प्रत्येक प्रश्नों के लिए
सही उत्तर टिक मार है। इसमें टिक मारना है, इसको बोलते हैं जो इसमें टिक मारना रहता है ना, चार ऑप्शन दिया हुआ था या पांच ऑप्शन, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जिसमें लिखना रहता है उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। देखिए, हु वाज वाइजर, बुद्धिमान कौन था। वाइजर क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का, तो कमेंट बॉक्स में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ये 5 क्लास में पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला हु वाज वाइजर, बुद्धिमान कौन था, ठीक ना। वाइजर है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं दो के बीच में तुलना करने के लिए। यहाँ दो कौन है, क्रोकोडाइल है और फॉक्स है। क्या बुद्धिमान कौन था, क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ, क्योंकि वही ना बोला, वही लोमड़ी को चेताया कि तुम डूब जाओगे अगर पानी में शिकार करोगे तो, मछली पकड़ोगे तो, लोमड़ी को। टू है हुआ जंगली, भूखा कौन था, तो लोमड़ी था। थ्री है व्हाट डिड द फॉक्स डिसाइड टू हंट ऑन, लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी किसका शिकार करने का निर्णय किए, तो क्या हो जाएगा, फिशेस, ठीक ना, वो मछलियों का शिकार करने का निर्णय किए। यहाँ पर रैबिट्स नहीं होगा, हो सकता है अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि लोमड़ी तो निर्णय की कि उस पर जाके खरगोश को मारेंगे, लेकिन नहीं, वो निर्णय कौन किया था, वो निर्णय किया था क्रोकोडाइल। मगरमच्छ बोला था कि चलो उस पर, लेकिन लोमड़ी क्या, जब उसके पीठ पे जा रहे थे मगरमच्छ की पीठ पे, तो वो निर्णय की मछली को मारेंगे। तो फॉक्स, यहाँ फॉक्स के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाएगा फिशेस। फॉर ए व्हाट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द फॉक्स, तो लोमड़ी के लिए क्या समस्या उत्पन्न किया, क्या समस्या उत्पन्न किया। कमिंग टू द अदर साइड विद द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के साथ दूसरी तरफ जाना। नॉट हेडिंग टू द क्रोकोडाइल्स एडवाइस, मगरमच्छ की सलाह नहीं मानने के कारण। तो दोनों में से कौन समस्या क्रिएट किया, ये जो मगरमच्छ का सलाह नहीं माना, वो होते हैं आंसर हो जाएगा बी। दूसरी तरफ आया तो अगर वो आराम से चला जाता है, अगर आराम से लोमड़ी अगर चला जाता है उसके पीठ पे, तो कोई समस्या ही नहीं क्रिएट होता। लेकिन लालचवश जब वो उसके सलाह को नहीं माना, क्रोकोडाइल के सलाह को, तो समस्या उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर ए टी वी आई सी ई है, इस एडवाइस में होता सलाह, एक और होता है ए टी वी आई एस ई, ये भी एडवाइस होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना। ये वाला क्या है, ये ए टी वी आई सी ई ये नाउन है, और ए टी वी आई एस ई वो वर्ब है। देखिए ये आंसर है। अब बढ़ते हैं सी पॉइंट टू, बोला जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों से। ये जी देख, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बॉक्स, तो सबसे पहले इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। रेस्क्यूड मीन्स बचाया, ये रेस्क्यू का भीटू है, और भीटू और भीतरी दोनों होता है। रिवर्स मीन्स नदियां, क्लेवर मीन्स चालाक, फिशेस मीन्स मछलियां, स्विम मीन्स तैरना, अदर मीन्स दूसरा, लैंड मीन्स जमीन, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, द लगा है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल लोमड़ी है इसलिए द लगता है, कुछ स्पेशल रहता है उसके लिए द लगता है, यहाँ पर लोमड़ी स्पेशल है, एक लोमड़ी के बारे में बात हो रहा है, तो द। हंगरी मीन्स भूखा, कम मीन्स आना। ये फर्स्ट है, क्रोकोडाइल्स लिव इन डैश, मगरमच्छ कहाँ रहता है, तो ये पूछ रहा है कि मगरमच्छ डैश में रहता है, यानी मगरमच्छ कहाँ रहता है, तो देखिए मगरमच्छ कहाँ रहता है, नदियों में रहता है, नदियों में, तो रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड है, द फॉक्स डिड नॉट नो हाउ टू डैश, लोमड़ी डैश करना नहीं जानता था, डैश करना थी, क्या हो जाएगा, तैरना, तो सेकंड में हो जाएगा स्विम, ये हो जाएगा सेकंड में स्विम। थर्ड है, द फॉक्स इज ए डैश एनिमल, लोमड़ी डैश एनिमल है, लोमड़ी चालाक होती है, चालाक होता है या चालाक होती है। फोर्थ है, द क्रोकोडाइल इनवाइटेड डैश टू द डैश साइड, यहाँ पर तीन बढ़ाएगा, पूछ रहा है कि मगरमच्छ आमंत्रित किया था, यहाँ बढ़ाएगा क्या, किसको आमंत्रित किया, और यहाँ बढ़ाएगा क्या करने के लिए आमंत्रित किया। तो देखिए, मगरमच्छ लोमड़ी को आमंत्रित किया दूसरी तरफ आने के लिए, तो यहाँ क्या बढ़ाया जाएगा, द फॉक्स बढ़ाया जाएगा, यहाँ टू कम, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर अदर होगा। देखिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा, द फॉक्स हो जाएगा, उसके बाद आने के लिए मदद किया, कम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दूसरी तरफ आने के लिए, तो अदर हो जाएगा।
फाइव है द फॉक्स वाज वेरी डैश, लोमड़ी बहुत ज्यादा था, तो क्या बहुत ज्यादा था, भूखा था, फाइव में हो जाएगा हंग्री। सिक्स है देयर वर लॉट्स ऑफ डैश इन द रिवर, नदी में ढेर सारी थी, तो क्या थी, मछलियां थी, यहां हो जाएगा फिशेस। सेवन है द फॉक्स नोज हाउ टू हंट ऑन डैश, लोमड़ी डैश पर शिकार करना जानता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, तो हो जाएगा लैंड, क्योंकि पानी में तो रहता नहीं है। एट है द क्रोकोडाइल डैश द फॉक्स, मगरमच्छ लोमड़ी को डैश किया, तो हो जाएगा लोमड़ी को क्या किया, बचाया, बचाया, तो हो जाएगा रेस्क्यूड, हो जाएगा रेस्क्यूड। ये देखिए आंसर, ये आंसर आप लिख सकते हैं, रिवर स्विम क्लेवर द फॉक्स कम अदर, इसका मतलब ऐसे किया, और इसका मतलब क्या है, सब एक एक ही सेंटेंस का है। फिर हंग्री फिशेस लैंड रेस्क्यूड। सी पॉइंट थ्री में क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए स्टोरी, बोला जरा नीचे देखिए वाक्यों को एक सही क्रम में सजाएं एक कहानी बनाने के लिए, लिखा हुआ मेक ए स्टोरी, एक कहानी बनाने के लिए इन ए प्रॉपर ऑर्डर, एक सही क्रम में अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे देखिए वाक्यों को सजाएं, अरे समझ में क्या बोल रहा है, अगर इसी पे एक बार पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे देखिए वाक्यों को कहानी बनाने के लिए सही क्रम में सजाएं, इसी को एक बार पढ़ लेना है तो हो जाएगा। देखिए यही दिया हुआ आपको, इसमें सजाना क्या है ना, इसमें सब जैसे तैसे दिया हुआ, जैसे तैसे कहानी कैसे शुरुआत हुआ कि एक समय की बात है, दो दोस्त है, एक लोमड़ी और एक मगरमच्छ, इस तरह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या जो है, द फॉक्स फेल प्रे टू ग्रीड, लोमड़ी लालच का शिकार हुए, मगरमच्छ उसको बचाया, ये तो अंत में बचाएगा, अंत में ये क्या, ये जो सारा का सारा सेंटेंस दिया हुआ ना, सब जैसे तैसे दिया हुआ, आपको एक सही क्रम में सजाना है ताकि एक कहानी बन सके। देखिए आंसर हो जाएगा, वंस देयर वर टू फ्रेंड्स ए फॉक्स एंड ए क्रोकोडाइल, एक बार दो दोस्त थे, एक लोमड़ी एक मगरमच्छ, द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, लोमड़ी बहुत भूखा था, तो क्रोकोडाइल वॉन्टेड टू हेल्प मी, मगरमच्छ उसका मदद करना चाहता था, ठीक है, पूरा स्टेप वाइज बढ़ रहा, यही करना था। ही टुक द फॉक्स टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, वह लोमड़ी को नदी के उस पार ले गया, कौन, मगरमच्छ। ही वॉज टेम्प्टेड टू सी द फिशेस, वह मछलियों को देखकर मोहित हो गया। द क्रोकोडाइल वार्न्ड द फॉक्स नॉट टू हंट इन वाटर, मगरमच्छ लोमड़ी को चिताया पानी में नहीं शिकार करने के लिए। सेवन है द फॉक्स डिड नॉट लिसन टू द क्रोकोडाइल्स एडवाइस, लोमड़ी मगरमच्छ का सलाह नहीं सुना, लिसन मीन्स क्या होता, सुनना, लिसन के बाद टू लगा था। एट है ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू कैच ए फिश, वह मतलब कौन, फॉक्स, वह एक मछली पकड़ने के लिए पानी में कूदा। ही बिगन टू सिंक, उसको तैरना नहीं आता था, तो क्या हुआ, ही बिगन टू सिंक, वह डूबने लगा। ये भीटू है, बिगेन क्या, भीटू है, बिगिन बिगैन बिगन। टेन है द क्रोकोडाइल रेस्क्यूड हिम, मगरमच्छ उसको बचाया। द फॉक्स फेल प्रे टू ग्रीड, लोमड़ी लालच का शिकार हुई, ग्रीड इज एन एविल, लालच एक बुराई है, एविल में होता है बुराई, तो लालच एक बुराई है। इस तरह से सारा कहानी कंप्लीट हो गया, सभी जो सेंटेंस है सभी को हम सजा दिए, एक सही क्रम में सजा दिए और एक कहानी बन गया। अगर समझ गए हैं तो फिर से क्या कीजिए ना, एक बार अपने से बना के देखें, ठीक है, अपने से अगर बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। सी पॉइंट फोर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे देखे प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द फॉक्स व्हेन ही सॉ फिशेस इन द रिवर, लोमड़ी का क्या प्रतिक्रिया था जब वह नदी में मछलियों को देखा, ये पहला क्वेश्चन है। इसी में एक और जुड़ा हुआ, व्हाट डिड ही डू ऑन सीइंग देम, वह उन सभी को देखकर क्या किया, उन सभी मतलब क्या, मछलियों को देखकर क्या किया। एंड व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, और उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद, हैपन मीन्स मतलब कुछ होना, तो व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ। देख रहे इसमें क्या, इसमें तीन है, एक दो तीन, तीनों को जोड़ करके एक ही क्वेश्चन बना दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। द फॉक्स माउथ बिकेम वाटर्ड व्हेन ही सॉ फिशेस इन रिवर, लोमड़ी का मुंह पानी से भर गया जब वह नदी में मछलियों को देखा, पूरा वो ललचा गया लोमड़ी,
उसके बाद लिखा हुआ था कि वह मछलियों को देखकर क्या किया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू कैच ए फिश, वह एक मछली पकड़ने के लिए नदी में कूदा। फिर पूछ रहा था कि उसके बाद क्या हुआ, तो लिखेंगे देयर आफ्टर, उसके बाद ही स्टार्टेड टू सिंक, वह डूबने लगा। ठीक है, यहाँ स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, स्टार्ट का भी टू, और बिगिन का भी टू भी लिख सकते हैं, जैसे बिगिन का भी टू बिगैन। ये दोनों का मतलब होता है शुरू करना, तो स्टार्ट मतलब शुरू करना और बिगिन मतलब शुरू करना, शुरू करना या शुरू होना, शुरू करना या शुरू होना। टू है हाउ डिड द फॉक्स फील व्हेन ही वाज रेस्क्यूड बाय द क्रोकोडाइल, लोमड़ी कैसा महसूस किया जब वह मगरमच्छ के द्वारा बचाया गया। एक क्वेश्चन हो गया, इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ, डिड ही रिपेंट फॉर नॉट लिसनिंग टू द क्रोकोडाइल्स एडवाइस। यहाँ भी एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है का, क्या वह मतलब लोमड़ी, क्या वह मगरमच्छ की सलाह नहीं सुनने के लिए पछताया। तो कहानी में क्या था, वो पछताया नहीं अंत में लोमड़ी, अंत में वो ब्लेम करने लगा, उल्टा वो ब्लेम करने लगा कि तुम्हें के कारण हम डूबे हैं, तुम क्यों बोले कि उस पार चलो, तो उल्टा ब्लेम करने लगा, तो पछताया नहीं था। रिपेंट में से होता पछताना। द फॉक्स कंडेम्ड द क्रोकोडाइल फॉर बीइंग संक, लोमड़ी डूबने के लिए मगरमच्छ की निंदा की। सिंक सैंक संक, सिंक में से होता डूबना था, ये भीथरी है। And told him that it was all the fault of the crocodile. और उसको बोले कि सारा गलती मगरमच्छ का है। ठीक है, बोले कि हम जो डूबे हैं सारा गलती तुम्हारा है, तुम क्यों बोले कि उस पार चलो खरगोश का शिकार करने के लिए, अगर तुम नहीं बोलते और मुझे नहीं ले जाते तो हम नहीं डूबते। No, he did not repent for not listening to the crocodile's advice. नहीं, पूछ रहा था कि क्या हुआ, को मगरमच्छ का सलाह नहीं सुनने के लिए पछताया। नहीं, वह मगरमच्छ का सलाह नहीं सुनने के लिए नहीं पछताया, उसमें पछतावा का कोई भाव नहीं था। लेकिन उसको याद कैसे करना है, यहाँ पर डिड का लगा दिए, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क के लिए, सवाल पूछने के लिए। इसमें नॉट लगाना तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, डिड को सेकंड में रखेंगे, डिड ही के बाद, उसके बाद नॉट लगाएंगे। तो उसको यहाँ से यहाँ तक याद नहीं करना, छोटे डिड को सेकंड में रखना है, उसके बाद नॉट लगाना। थ्री, व्हाट मेड द क्रोकोडाइल से डैट देर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल्स। देखिए वर्ब है तो ए डी वी आई एस ई, ठीक है, आई एन जी लगाएंगे तो अंत का ई हट जाएगा और आई एन जी लग जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ब आपको बता दिए, ए डी वी आई एस ई वर्ब होता है सलाह देना, ए डी वी आई एस ई सलाह होता है नॉन। तो बोला जा रहा है मगरमच्छ क्यों कहा कि बेवकूफों को सलाह देना बेकार है। आंसर हो जाएगा, व्हेन द फॉक्स टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट द फॉक्स शुड नॉट हैव कम विद हिम एंड ही वाज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉक्स ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग में से हो गया डूबना, ठीक है, ड्रॉनिंग में से हो गया डूबना, सोली में से हो गया पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल में जिम्मेदार। मगरमच्छ क्यों बोला कि बेवकूफों को सलाह देना बेकार है, कब बोला, जब लोमड़ी मगरमच्छ से बोला कि उसे यानी लोमड़ी को उसके साथ नहीं आना चाहिए और वह लोमड़ी के डूबने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, तब जब वो लोमड़ी बोला कि सारा सारा जिम्मेदार तुम ही हो मैं डूबने का, तब जाके क्रोकोडाइल बोला कि बेवकूफों को सलाह देना बेकार है, हम इतना सलाह दिए हैं, उसका भूख मिटाने के लिए बोले कि उस पर चलो, ये उल्टा हम ही को बोला। इट मेड द क्रोकोडाइल से डैट देर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल्स, यही बात मगरमच्छ को बोलने पर मजबूर किया कि बेवकूफों को सलाह देना बेकार है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जो चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप देंगे, फुल्स के बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर फुल स्टॉप देंगे और वाट की जगह सिर्फ इट रख देंगे, तो याद करने का क्या है यहाँ से यहाँ तक। फोर है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द कार्टून स्टोरी, बोला जा रहा है कि आप कार्टून की कहानी से क्या सीखते हैं। तो लिखेंगे कि आई लर्न फ्रॉम द कार्टून स्टोरी डैट, मैं कार्टून स्टोरी से सीखता हूँ कि या सीखती हूँ कि, कुछ भी हो सकता है, लड़की है तो सीखती हूँ कि, लड़का है तो सीखता हूँ कि, डैट देर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल्स, बेवकूफों को सलाह देना बेकार है, यही इस कहानी का मोरल है। और सही बात ही है, बेवकूफों को सलाह देना बेकार ही है।